नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी हम लोग जा रहे हैं दूध लेने के लिए नीचे और उसके बाद हम लोग को निकलना है बाहर। तो इसीलिए हम लोग रेडी शेडी दिख रहे होंगे आप लोगों को, क्योंकि आज हम लोग का सुबह ही सुबह प्लान बन गया मंदिर जाने का, क्योंकि हम लोग इतने दिन से जो आए हुए हैं हम लोग विजिट नहीं कर पाए। तो आज की ब्लॉगिंग वहीं पर होगी और उसके बाद जाना है डौला के घर। अरे जल्दी दौड़ो। अच्छा, निकलने के वक्त मम्मी को मन किया कि हम लोग चाय पी लेते हैं, और अब पता नहीं और ज़्यादा लेट हो जाएगा चाय पीने के चक्कर में, बट पता ही है ना आप लोगों को चाय हर टाइम हम लोग को पीना होता है, चाहे हम लोग निकल रहे हो जाओ। और बाहर बहुत ज़्यादा ही धूप है, इतनी ज़्यादा धूप में प्लीज़ वेयर सनस्क्रीन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमेशा निकलने के पहले सनस्क्रीन लगाइए, क्योंकि आप देख रहे होंगे, देखिए कितनी ज़्यादा धूप है और मैं आँख नहीं खोल पा रही हूँ। तो चलिए सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं। दो पैकेट दूध दे दीजिए तो भैया। मम्मा ने क्या बोला, गुल्लू नीचे एक ही शर्ट पे जाएगा? हाँ बोलो, ऊपर का ऊपर शर्ट रहता है, नीचे का नीचे रहता है। हैं क्या चीज, क्या चीज? वो बात बगीचे में होती है। हाल मौजा, हाल मौजा। हाँ हाँ, फिर जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं नहीं उसका नाम क्या बोला? अरे अभी जो बोला, हाँ यार आ गया, हाथ बोला। हाँ उसके पहले क्या बोल रहा था? हाथ बोला। हाँ बोला। तो पकड़ो, भारी है। हाँ? भारी है। छोटे बच्चे लोग बड़ा अच्छा होता है, पानी ला के दे देते हैं, चिप्स उठा के ले जाते हैं, दूध का पैकेट उठा के ले जाते हैं, कितनी हेल्प हो जाती है छोटे बच्चों से, इसका सबूत आप देख ही सकते हैं। गुल्लू मेरी कितनी हेल्प कर रहा है, थैंक यू गुल्लू मुझे हेल्प करने के लिए। कोई बात नहीं। अच्छा इतना बड़ा अपन। तो ये देखिए मुझे क्या मिला डौला के घर पे। ये हम लोग की आज से 10 साल पुरानी तस्वीर है, जो मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग स्कूल में थे तो बड़ा सस्ते में गिफ्ट देना होता था, तो ये गिफ्ट मैंने ही दिया उसको। 100 रुपये का फ्रेम था और 100 रुपये का फ़ोटो का प्रिंटआउट करवाया और गिफ्ट तैयार। और ऐसा गिफ्ट था कि जो आज तक है और वो कितना खूबसूरत है, या क्या बोले, वो एक मेमोरी है जो कि इतनी अच्छी और सुंदर लगती है कि जब भी देखो तो बहुत अच्छा लगता है। ये सेम पिक्चर मैं अपने घर पे भी लगाने वाली हूँ। आज का मेन्यू क्या है? बटर पनीर, चिकन कड़ी, पुलाव और दाल फ्राई। ओके, और ये मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि उसने क्या क्या बनाया। ये सिर्फ देखने में अच्छा होगा, खाने में तो भूल जाइए, मैं पहले बता देती हूँ खाने में क्या होगा पता नहीं, देखने में बड़ा लजीज लग रहा है। ये चिकन है, ये रहा बटर पनीर, और ये रहा पुलाव, और ये रही दाल फ्राई, और ये रही प्लेट है जिसमें हम खाएंगे। नहीं आराम से भैया अब आ रहा है खाना खाने के लिए, एकदम एक बार में उठ गया। अंकल आप एक तो आपने पहले खा लिया? हाँ, डेढ़ बजे आज बड़ा भूख लगा, सवेरे गए थे ना। हाँ हाँ, डौला को बोला था एक स्टैंड लाने के लिए ताकि मैं ये मोमेंट्स को कैप्चर कर सकूं, बट वो ज़्यादा ही सीरियस हो गई तो इतना बड़ा वाला रिंग लाइट लेकर आई है। पता नहीं क्या टिकटॉक टिकटॉक बनाई ना क्या। और ये तो नज़ाकत दिखा रही है अपना। ये गाना डौला के लिए गा रहा है वो, फिर से सुनो ज़रा। तेरे लिए गाना गा रहा है, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। बताओ गुल्लू किसके, अच्छा अच्छा किसके लिए गा रहा है गुल्लू? डोलेमोस के लिए। अरे सॉरी मामी सॉरी। चलो हेलो गुड्डी का लगा दे, मॉर्निंग आई आई है, आई है उस रूम में, वो फोन पे बात कर रही है, उसको देख लो, इसको बोले ना आज देखिए ये पूजा के ना था एक दिन आप मेरे, ये इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ ना। आंटी शांति पानी डाल रही है। शांति पानी नहीं, तुम चिकन अगर खाई होगी ना। हाँ, सब खा लिया। तो माँ का प्रसाद ही देंगे फिर गंगा जल। नहाई लेती मैं तो। काहे नहा
कहाँ की? अरे अभी भी तो मंदिर ही जाना था, दो मग पानी डाल दे। इधर आओ बाबू, इधर आओ, तुम भी आओ बाबू। चलो आओ। राजा आ जाओ। देखिए एक बात बता देती हूँ, जो बचपन में जो 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 बेस्ट फ्रेंड की मम्मियाँ होती है ना, वो भी एकदम सेम मम्मी की तरह होती है, अगर ज्यादा मुंह चलाने से मार भी देती। अभी आंटी ना, अभी आंटी एक पानी भी डाल दो अभी। क्या गंगा जल है? अभी आंटी हम लोग को पवित्र कर रही है, गंगा जल डाल डाल के हम लोग चिकन खा के बैठे हैं। आंटी ठीक है, तो चिकन खाया है, सब वहम है। एकदम शांति से टिक के बैठ जाए। अरे तू तो मुझे कुछ देने वाली थी ना, केक जलाना है तेरे को, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ, केक जला के छोड़ेगी मेरा। अच्छा डॉला मेरे लिए कुछ लेकर आई है, पिछली बार भी कुछ लेकर आई थी, इस बार लेकर आई आई थिंक पिछले ब्लॉग में भी था। भैया कितने नाम है? राजे, राजीव, राज, केले में था, जिसमें से एक ही उसने बीटरूट का लिपस्टिक दिया मुझे, और एक इस ब्रांड का नाम नहीं बोलूंगी, बहुत अच्छा ब्रांड है, उसकी लिपस्टिक मिली मुझे। तो जैसे कि मैंने अपने पहले भी ब्लॉग में कहा है, अगर मैं उसके घर जाऊँ तो भी मेरा फायदा, अगर वो मेरे घर है तो भी मेरा फायदा। उसे बुलाते रहे, आप भी अपने घर बुला सकते हैं उसे। कैसे छोड़ा इतना दिन? ओ मुझे लगा कैसे छोटा है ना, छोटा दिन कैसे छोड़ा है, ये तो वही समझ सकता है उसकी दिल का हाल। बहुत सुंदर है लेकिन आपका भतीजी, आप भी ऐसे ही होंगे भाभी कम उम्र में, पूजा है बहुत काम करती है भाभी के साथ, कौन भाभी बड़ा है मैं कि आप नहीं जानते। इसमें दिया मेरा डेट डेट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट में डोला, मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मम्मी को बोल दे कि जब भी मेधा बोलती है डोला के लिए सूट लेना है तो आप दिलवा दीजिए उसको। दो साल से हम लोग गए नहीं है बाजार। बहुत बड़ा झूठ है। तू सिर्फ ब्लॉग देखना मेरा, मम्मी ना रुक रुक के शॉपिंग ही करती होती है, जब भी मैं बोलती हूँ मुझे डॉलर के लिए सूट लेना है, चल तो सीधा घर। बोलो उसके लिए क्या खरीदोगी? अरे कुछ ऐसा खरीदना जो कलर मेरे पास नहीं है। तू मुझ पे छोड़ दे डॉलर, मुझ पे छोड़ दे, आई एम बेस्ट एट इट। अभी तो तू बोल रही थी जो मैं पहन के आती तुझे वही चाहिए होता है। नहीं नहीं मैं कह रही हूँ कि हर जगह पहन सकते।
लेट हो चुका था और जल्दी जल्दी हम लोग को दर्शन करने थे क्योंकि 9 बज गया था और बंद हो जाता है 9 बजे मंदिर। दोपहर में भी जब हम लोग आए थे तो दोपहर में हम लोग के दर्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि मंदिर का टाइमिंग है 1 बजे दोपहर में वो बंद हो जाता है और शाम को 4 बजे खुलता है। तो अभी हम लोग के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। तो यहाँ तो अलाउड ही नहीं है कि हम लोग कुछ फुटेज ले सके, इसलिए जो भी है वो बाहर का ही दिखा पा रही हूँ। ये है कालीघाट मंदिर और वो ये बाहर का एरिया है जहाँ पे सब प्रसाद और ये सब लेते हैं। बाकी तो मंदिर उस तरफ अंदर है तो वहाँ उतना हम लोग फुटेज ले नहीं पाए। तो अभी के लिए जाती हूँ मैं, देख रही हूँ यहाँ पे एक तालाब है जहाँ पे बोला जाता है माँ काली का अंगूठा गिरा था, जिसके वजह से कालीघाट मंदिर जो है वो एक शक्तिपीठों में से एक है। तो देखते हैं अगर हम लोग वहाँ जा पाते हैं तो वहाँ का फिर मैं कुछ दिखा पाऊँ शायद काश। और ये है वो तालाब जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। मैं सच बताऊं तो मैं बचपन से इतनी बड़ी हो चुकी हूँ यहाँ पर, बट मुझे कभी पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये लेक है। क्योंकि कल ही हम लोग बात कर रहे थे मैं और भैया, तो पता लगा मुझे, पढ़ रहे थे हम लोग, तो यही वो लेक है जहाँ पे बोला जाता है कि उनका माँ शक्ति का अंगूठा गिरा था, जिसकी वजह से ये एक शक्तिपीठ में से कहलाया जाता है एक कालीघाट। तो यही वो लेक है। इतने सालों में इतनी बड़ी हो गई पर आज दर्शन हुए। कोई नहीं, देर सवेर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बेहतर ही हो रही हैं और मैं तो खुश नसीब फील करती हूँ। मुझे जब जो नॉलेज मिल जाए वही बहुत है। कैसी रही पूजा आपकी? मम्मी स्पेशल सलवारें बनाती है जिसमें मम्मी का पॉकेट होता है ताकि मजे से मम्मी अपना फोन और पैसे रख ले। किसी पे मम्मी भरोसा नहीं करती, अपनी पॉकेट पे भरोसा करती। उल्लू कैसा लग रहा है यहाँ पे? अरे हेयर स्टाइल अच्छा ही है, वो देख के ही अपना हेयर स्टाइल पहले करने लगा। कैसा लग रहा है यहाँ पे? शाम को कितने बजे चले जाते हैं? बताओ बताओ, बोलो इन लोग को बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ है हम लोग? कौन से मंदिर में? अरे वाह, भवानीपुर एरिया की हवा में ही जादू है क्योंकि बचपन बीता है हम लोग का यहाँ पर, तो यहाँ की हवा ही अलग है। तो थोड़ा स्टॉप मार ही लिया, जरा भैया की फ्रेंड है, जरा उनसे मिल के आते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी स्ट्रीट डॉग है और आप चाहे डॉग लवर हो या नहीं हो, एटलीस्ट अच्छे से थोड़ा कुछ कारने से वो लोग आपके पास आएंगे, और कुछ नहीं तो 5 रुपए का एक बिस्किट ही डाल दिया कीजिए, थोड़ा पुण्य हो जाएगा। ऑलरेडी लोग बहुत परेशान है ना, जस्ट ट्राई दिस, आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। दीज डॉग्स रियली नीड लव, जैसे कि हम लोग को रहता है वैसे इन लोगों को भी है। अभी जब मैं आ रही थी तो अचानक से ये कहाँ से मेरे आस पीछे साइड में आके खड़ा हुआ, और जबकि ये बिस्किट्स नहीं खाता है, ये नहीं खाती है लड़की है, जबकि ये बिस्किट नहीं खाती है, भैया बोल रहे थे वो नहीं खाती है, बट देखिए उसको जस्ट पुचकार के मैंने दिया और वो खा रही है बिस्किट, बहुत भूखी है। तो प्यार की भाषा सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको कुछ भी काम करना है प्यार से कीजिए, ज़रूर पूरा होगा। हम लोग को पंडित ने पूरा एकदम दिखा रहे हैं कि पूरा बना दिया है कि हम लोग मंदिर से आए हैं, कौन कौन से कलर के टीके लगाए हैं। सबसे बड़ा तो टीका मेरे माथे पे, मेरे भी तो मेरी तो तीसरी आंखें खुल गई बिल्कुल। भैया हम लोग के पहले जल्दी जल्दी जाके घर खोल रहा है, मतलब गेट खोल रहा है। इतना अच्छा भाई मिलेगा आप लोग को। चलिए घर तो आ गए और बहुत ही अच्छा रहा हमारा दिन। तो चलिए डिनर डन, और मोनी अभी अपने रील्स बना रही है, जब सुन ही रहे होंगे उठती मोहब्बत। ये हम लोग करते हैं जब हम लोग ब्लॉग नहीं बनाते होते हैं।
जब हमारा ब्लॉग कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि मेरी पारी हो रही है।